बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार जर्मन बहरिया के सरबराह ने एक मुसलमान नौजवान से कहा, मैं तुम्हारे रसूल से भी बड़ा आदमी हूँ। नौजवान ने कहा, मेरा रसूल कौन है? जनरल ने कहा, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नौजवान ने कहा, तुम कैसे बड़े आदमी हो? जनरल ने कहा, मेरे एक हुक्म पर ये 20,000 फौजी जो तुम्हारे सामने हैं 10 मिनट के अंदर सब बस्ता हो जाते हैं। नौजवान ने कहा, अगर तुम्हारे सामने मुख्तलिफ उम्र और मुख्तलिफ ममालिक के 20,000 लोगों को लाया जाए, उनको सब बस्ता करने के लिए कितना वक्त लोगे? जनरल, अगर वो मेरे तरबियत याफ्ता हों तो 2 घंटे में सीधे खड़े हो जाएंगे। नौजवान ने लैपटॉप ऑन किया और हरम मक्की की नमाज खड़े होने का मंजर जनरल को दिखाया और कहा, देखो ये 3 मिलियन लोग हैं, इनको इमाम एक बार कहता है सफ़ें सीधी करें। कैसे सीधी सफ़ें बांधते हैं? हालांकि ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं। इनकी उम्रें भी मुख्तलिफ हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और बूढ़े भी, माजूर और मरीज भी, मगर एक आवाज़ पर 1 मिनट में कैसे सब बस्ता खड़े हो जाते हैं? ये है हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और तरबियत का नतीजा। जनरल हैरानगी से नौजवान को देखता रहा। जी हाँ, ये उम्मत तरबियत याफ्ता है, ये सफ़ें सीधी करना जानती है और ये उम्मत अपनी सफ़ें सीधी कर रही है। तारीख गवाह है कि हर सदी में मुसलमानों में एक अजीम शख्सियत ज़रूर पैदा होती है। मुसलमान किसी अजीम रहनुमा की तलाश में है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मुसलमान दुनिया की रहनुमाई करेंगे, इंशाअल्लाह।